So, good morning, students. The next topic of फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर इज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो सिंगल फेज सप्लाई है हमारी वो पल्सेटिंग सप्लाई है. जैसे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो सप्लाई थी वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती थी, वैसे सिंगल फेज सप्लाई जो है ये हमारी पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करती है. और हमने दो थ्योरीज में देखा ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी और क्रॉस फील्ड थ्योरी रिवॉल्विंग थ्योरी. और उसमें हमें देखा कि जब अगर सिंगल फेज कि हम सप्लाई देते हैं तो हमारा जो फील्ड है वो रोटेटिंग फील्ड ना होके एक पल्सेटिंग फील्ड मिलती है. दैट इज़ वाई वी से कि सिंगल फेज मशीन्स जो है हमारी जो फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है. राइट. सो इनको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के कुछ तरीके होते हैं एंड दैट्स वाई एंड द वे दे आर बींग सेल्फ स्टार्टेड समटाइम्स द नेम इज ऑल्सो गिवन टू द सिंगल फेज मोटर एज द वे दे आर स्टार्टेड. ओके. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. जैसे कि मैंने पढ़ा कि आपका जो सिंगल फेज जो हमारी सप्लाई है वो पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करती है. तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि वो सिंगल फेज की बजाय डबल फेज हो जाए. राइट. सो स्प्लिट फेज का मतलब है कि आप एक फेज को दो फेजेस में स्प्लिट करेंगे. राइट. तो इसमें एक एक मेन वाइंडिंग होगी और हम क्या करते हैं एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग. राइट. सो वी हैव गॉट टू टू वाइंडिंग्स इन द स्प्लिट फेज. इट इज प्रोवाइडेड विथ एन एयू ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी स्टेटर वाइंडिंग. ऑक्सिलरी स्टेटर वाइंडिंग में से एक अलग से एक वाइंडिंग हम यूज करेंगे फॉर और स्टार्टिंग दे मोटर. मतलब स्टार्टिंग दे मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग इसीलिए इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं. तो एक मेन वाइंडिंग हो जाएगी और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाएगी. राइट. सो ये है. अब मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे मेन पार्ट जो स्प्लिट फेज के हैं. ऑब्वियसली सबसे पहले स्टेटर होगा, स्टेटर की वाइंडिंगें होंगी. रोटर होगा, ठीक है. उसके बाद एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसमें एक नई चीज है. और इसमें एंड शील्ड भी हम लिख लेते हैं. राइट. सो स्टेटर, यू ऑल नो व्हाट स्टेटर इज. स्टेटर इज द आउटर पार्ट ऑफ द जिसमें स्लॉट्स होंगे. राइट. और उसमें हमने स्टेटर में वाइंडिंग डाली होगी. उसमें जो वाइंडिंग हम डालेंगे उसमें दो वाइंडिंग हम डालेंगे. एक जो होगा वो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी और एक जो हमारी स्टेटर विल हैव मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग. राइट. और ये दोनों ही वाइंडिंगें जो होंगी दे आर पुट इन पैरेलल. दे आर पुट इन पैरेलल. फाइन. तो पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि इसका पर्पस ये है कि आपको जो मेन करंट आ रहा है उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं और आप स्प्लिटिंग कर रहे हैं. मतलब आप एक फेज को डबल फेज में उतार रहे हैं क्योंकि टू फेज वाइंडिंग अगर अगर आपका दो फेज वाइंडिंग होगी तो वो जो सप्लाई देगी वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी और उस वजह से आपका जो सिंगल फेज मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग हो जाएगी. राइट. सो स्टेटर में आ गया आपका स्टेटर की वाइंडिंग मैंने यहाँ लिख दी. आपकी स्टेटर की वाइंडिंग 90 डिग्री होगी, ठीक है. और उसके बाद रोटर है. तो रोटर जो है वो आपका इट इज सिमिलर टू थ्री फेज. थ्री फेज का जो इंडक्शन मोटर उसके मोटर की तरह ही होगा, ठीक है. इसमें स्टील शीट की लेमिनेशन होगी, है ना. कॉपर एल्यूमिनियम बार. राइट. आपको याद होगा ऐसे इस टाइप का एक हम लोगों ने इस तरह का आपको ये आपकी बार स्टेटस इसमें इस तरह से.
फाइन। सो ये आपकी रोटर की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल स्विच। नाउ सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या है? ये एक्चुअली इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस और ये इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिसकनेक्टिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग व्हेन मोटर हैज अटेंड 75 to 80% स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड रादर। तो क्या है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग वाइंडिंग डाली हुई, मैं आगे आपको डायग्राम बताऊंगा। हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाई होती है, उसको हम लोग क्या है कि जब मोटर हमारी सेल्फ स्टार्टिंग हो जाती है और सिंक्रोनस स्पीड के 75 to 85 80% तक पहुंच जाती है, तो हमें फिर उस स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ताकि क्योंकि हमारी जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा अगर एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग जो है मशीन में परमानेंटली कनेक्टेड रहेगी। फाइन। एंड शील्ड बेसिकली क्या है? दीज आर एंड कवर्स मोटर की लास्ट में जो हम लोग लगाते हैं, एंड कवर्स। एंड कवर्स ऑफ द मोटर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड मॉइस्चर एटसेट्रा। फाइन। सो ये आपके जो है मशीन के मेन पार्ट्स हैं जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है क्या। तो लेट मी ड्रॉ, जो मैंने आपको अभी पार्ट्स बताया उसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग मशीन को। सो यहाँ पर इस तरह से मैं तो ये आपकी मेन वाइंडिंग है और ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो यहाँ जो करंट जा रहा है वो आई एस से प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ मेन में जो करंट जा रहा है वो आई एम है। वो है पुट अ कैपेसिटर एंड हेयर इट, ये है आपका सेंट्रिफ्यूगल स्विच, ठीक है। फाइन। तो यहाँ पे आप देखें मेन करंट आ रहा है, हमने उसे स्प्लिट कर दिया है मेन करंट आई एम और आई एस के बीच में, राइट। तो आई एम और आई एस के बीच में, और आई एस का जो है आई एम से फेज डिफरेंस ज़्यादा करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि आपके इसमें कैपेसिटर लगा दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ आप देखें तो मेरा यहाँ अगर इसका फेजर बनाता हूँ, सो इफ इट इज दिस इज वी, राइट। सो आई एम मेरा जो है वो लैग करेगा क्योंकि जो मेन वाइंडिंग है वो इंडक्टिव है। ये मेरा आई एम से ये फाइव एम से लैग करेगा। अब आई एस जो है क्योंकि कैपेसिटर लगाओ तो इसने वोल्टेज को लीड करना है, सो ऑब्वियसली दिस विल बी लीडिंग आई एस और ये और फाइव एस आएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और भी, राइट। तो अब जो नेट करंट आएगा आप देखें वो आपका इस तरह से है, ठीक
राइट। सो ये आपका, अब आप देखें, ये आपका, अब आप देखें कि आपके, आपने आई को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आई एस और आई एम, राइट। जो आई एम और आई एस है, दे आर बेसिकली 90 डिग्री। नाउ द टू करंट्स, द टू करंट्स हैव फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, राइट। राइट, अब क्या हो रहा है कि ये दो फेज आ गए, तो अब नाउ ये रिवॉल्विंग फील्ड सेटअप कर देंगे स्टेटर में, ठीक है। जब ये रिवॉल्विंग फील्ड स्टेटर में सेटअप कर देंगे, तो जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमारी स्टार्ट होती है, वैसे ये स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा और आपकी मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग हो जाएगी, राइट। अब आप देखें कि ये सीरीज में हमने एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया हुआ है, जब ये मोटर जो है 75 टू 80% सिंक्रोनस स्पीड के पहुंच जाएगी, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ये ऑपरेट कर जाएगा, राइट। ये ऑटोमेटिकली ओपन कर जाता है, और क्योंकि क्या होता है कि ये लगा ही रोटर के साथ इस तरह से होता है कि जब सेंट्रीफ्यूग घूमता है, तो हमने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर किसी चीज़ को आप घुमाते हैं ऐसे किसी चीज़ को, तो बाहर की तरफ जो फोर्स एक्ट होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। सो जब आपका रोटर इस तरह से, रोटर में कनेक्टेड होता है स्विच, जब ये रोटर घूमता है, तो ये ऐसे को ये खुल जाता है, राइट। सो ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा, और आपका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो आपकी मेन वाइंडिंग से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, राइट। सो दिस इज हाउ योर ऑपरेशन, दिस इज व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्प्लिट फेज में और किस किस तरह से आप जो है सिंगल फेज मोटर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की मोटर्स होती हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं कैपेसिटर मोटर्स। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको करेंगे। थैंक यू।